हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक जैसा खाना खा खा कर बोर हो गए हैं, तो आज मैं एक दादी माँ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम आजकल बनाना बिल्कुल भी भूल चुके हैं। रेसिपी ऐसी है कि आजकल के जो कुलचा बर्गर को भी फेल करती है। मैं हूं आशा और आशा की रसोई में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज की ये जो दादी माँ की रेसिपी है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक टोरी चने मैंने भिगो दिए थे, तो ये फूल के काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अब मैंने सुबह इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। उससे पहले हमें जो भी मसाले डालने हैं डाल लेते हैं पहले। इसके लिए मैंने एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला इसमें, और एक तेज़पत्ता डालेंगे। एक चुटकी इसमें मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा है वो डालेंगे, ताकि जल्दी हमारे चने जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और आधा चम्मच नमक। 5 से 7 सीटी लगानी पड़ेगी हमें। तो अब हम इसको कुकर में डाल लेते हैं। साथ में हम आटे को भी गूँध लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले ऐसे बीच में से गड्ढा बना लेते हैं। एक चम्मच हम इसमें ईस्ट का डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम दही डालेंगे। इतना काफ़ी होगा। इसी के बीच में पानी डाल के ऐसे थोड़ा थोड़ा पहले मिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको गूंद लेते हैं। ज़्यादा हमने टाइट डो नहीं इसको बनाना, मीडियम ही बनाएंगे। बस इसको ऐसे ही गूंद रहे हैं, ऐसे करके इसको गूंदा जाता है। ऐसे करने से जो खमीर है इसका अच्छी तरह से होता है। ऐसे करके गूंद रहे हैं इसको अच्छी तरह से, जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट जैसे ये है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तब तक हमें ऐसे गूंद रहे हैं। बस ऐसे दोबारा हम ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे गीला हाथ करना है, फिर ऐसे। बस हमारा आटा जी जो सॉफ्ट हो गया। अब हम इकट्ठा करते हैं इसको। थोड़ा सा गीला हाथ ऐसे पानी वाला लगाते हैं इसके ऊपर, ताकि सूखे ना। तो ऐसे ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम थोड़ी सी गर्म जगह इसको रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छी तरह से गल गए हैं ये। अब हम तड़का लगाते हैं। तो ये जो है ना, ये हमने जो खड़े मसाले, जो भी तेज़पत्ता दालचीनी डाली थी, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको ऐसे इसको बाहर निकाल देंगे। और अब हम लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए ये प्याज, थोड़ा सा लहसुन जी हमने चॉप कर लिए, और 2 आलू मैंने बॉईल करके इसको अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। ऐसे मैश कर लेंगे, देखने में सब्जी का जो टेक्सचर है ना वो अच्छा बनेगा। ऐसे हम इसको अच्छी तरह से मैश करके डालेंगे। जी हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिए। तो अब हम तड़का लगाते हैं। कढ़ाई में सरसों का ऑयल ले लिया, तेल गर्म हो गया। इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, हींग, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। जी आगे चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च, चॉप किया हुआ ऑनियन, हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भून लेते हैं। मीडियम साइज़ की टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, ये डाल देते हैं इसके बीच में। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। ये कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ये आ गया चाट मसाला। चाट मसाले की जगह हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे खट्टी थोड़ी पसंद है कम में, इसलिए मैंने ये ना चाट मसाला डाला। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हमने जो दो आलू मैंने मैश किए थे ना थोड़े, ये डाल लेते हैं इसके बीच में, अच्छी तरह से इसको मैश कर लेते हैं। और अब इसमें डालते हैं जो बॉइल करके रखे थे चने, अगर हमें गाढ़े लगे थोड़े लगे तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके भी डाल सकते हैं, ठंडा नहीं डालना है इसमें, ठंडा डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने कितने थिक रखने हैं जी आपने पर डिपेंड करता है, अगर हमने थोड़े से पतले बनाने हैं तो हम इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा गर्म करके। थोड़े से मैं पतले बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ इसमें। अब इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको करते हैं साइड में। अब देखते हैं हमारा जो ऐसे अगर अब आ जाए तो समझो हमारा आटा ये तैयार हो गया। अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऐसे वाली एक बास्केट ली है, ये टोकरी ऐसे वाले लिए, और ऐसे जी जो कपड़े हैं इसको हमने गीला कर लिया है, थोड़ा सा इसका यूज़ करेंगे। ऐसे डस्टिंग लेके इसको शुरू करते हैं। बस ऐसे हमने सारे चीज़ बनाते जाना है। बस ऐसे हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते जाना है। नैपकिन लगा के ऐसे दूसरी लेयर आ गई, फिर नैपकिन रखना इसके ऊपर, फिर तीसरी लेयर आ गई। ऐसे हमारे ये सारे तैयार हो गए। अब हम इसको ना आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ले ली है एक बास्केट छोटी सी, नैपकिन डाल लेती हूँ ऐसे करके, इसमें हम डालते जाएंगे पका के। आधा घंटा हो गया तो अब नैपकिन को हटा के अब एक एक करके हम पकाते जाएंगे। गरम तवे पे डालना, इसको ठंडा नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही इसको पलट के ऐसे इसको पकाना है थोड़ा सा, फिर हम इसको गैस के ऊपर सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। बिल्कुल ही ऐसे बनेंगे जैसे जो कुलचा वगैरह बनता है ना, उसी की तरह ये फूलेगा, आप देख सकते हो। अगर हम चूल्हे पे बनाए ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, गैस पे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। चलो फिर भी हमने बनाया, आप देख सकते हो कैसे बनता है गैस पर। बस ऐसे करके हम ये सारी चीज़ उसको पकाते जाएंगे। कोई मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा गैस पे बनाना, बस इसको ऐसे सेकना, ऐसे पकड़ के थोड़ा धीरे से इसको सेकना पड़ेगा ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। जैसे ये फूल गया ना, ये बस ऐसे हमने सारे ये जो है पकाते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट्स के बिना चैनल तो ग्रो हो नहीं सकता, तो इसलिए आप ज़रूर मेरी सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे।